in this module we are going to discuss something very interesting and that is the concept of a market value and a book value so some often we we come across this information in the news that shares uber shear shares niche gay, market ka volume itne percent high ho gaya itne hazar index ke oopar, market close hui to, uh, one may think is iska matlab kya hai. सो so, इस चीज़ को समझने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर या ओवरऑल मार्केट की uh, किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है या उसकी बुक वैल्यू क्या है सो वैन वी से बुक वैल्यू इट मीन्स द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस अकॉर्डिंग टू इट्स बुक्स कौन से बुक्स जो अकाउंट्स के बुक्स हैं एंड दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड और रिप्रेजेंटेड टू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सो so, हमने अभी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट फॉर्म्स पढ़े थे कि हमारे पास बैलेंस शीट है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये तीन तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ कंपनी या फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब आपने किसी भी कंपनी की वैल्यू देखी कि टोटल वैल्यू किसी भी कंपनी की क्या है तो दैट इज़ द बुक वैल्यू ऑफ़ दैट कंपनी सो बेसिकली बुक वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एसेट्स एंड द टोटल लाइबिलिटी सो टोटल एसेट की वैल्यू ली जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंशन होती है टोटल लाइबिलिटीज उसने लोगों के पैसे कितने देने हैं या ओवरऑल कितने पेमेंट्स करने हैं कितना कर्ज़ उठाया हुआ है वो सारी चीज़ों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल एसेट्स में से तो उसका वैल्यू जो आएगा दैट वुड बी द बुक वैल्यू ऑफ अ कंपनी और बुक यहाँ अकाउंट्स की बुक है सो so, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि ओवरऑल मार्केट की ओवरऑल uh, कंपनी की वैल्यू कितना है अकॉर्डिंग टू इट्स बुक्स लेकिन इस चीज़ इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के वास्ते आई एम गोइंग टू यूज़ एन एग्जाम्पल सपोज देर इज़ दिस कंपनी एक्स वाई जी और उसके टोटल एसेट्स हैं एक मिलियन डॉलर और उसने उसके पास जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं सपोज दे आर एटी मिलियन डॉलर तो आपने एटी मिलियन डॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देना हंड्रेड मिलियन डॉलर से तो आपके पास उस कंपनी का बुक वैल्यू आ जाएगा दैट वुड बी ट्वेंटी मिलियन डॉलर तो उसका जो टोटल वर्थ है ऑफ दैट कंपनी अकॉर्डिंग टू तो इट्स बुक्स इज ट्वेंटी मिलियन डॉलर सो वेन वी टॉक अबाउट द बुक वैल्यू इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ नेटवर्थ ऑफ़ द बिजनेस सो नेटवर्थ या बुक वैल्यू आर यूज इंटरचेंजबली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू इट्स अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू इट्स बुक्स वेन वी अकाउंट फॉर द बुक वैल्यू वी ऑल्सो लुक एट द बुक वैल्यू पर शेयर तो अगर uh, कोई भी कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो कॉरपोरेशन है या लिस्टेड कंपनी है और उसने शेयर्स एक्सटेंड किए हुए हैं शेयर्स के फॉर्म में आप uh, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको शो किया हुआ है तो आपने बुक वैल्यू पर शेयर अगर फॉर एग्जाम्पल को देखना है कि इसका बुक वैल्यू पर शेयर क्या है तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज द टोटल बेसिकली इट इज द टोटल डॉलर अमाउंट ऑफ द शेयर होल्डर्स एक्विटी अकाउंट विच इज कंसिडर्ड विच इज़ टेकन इन टू अकाउंट फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफिशियल बैलेंस शीट और इसको आप डिवाइड करते हैं बाय द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग सो वैन वी सेक आउट शेयर्स इसका यह मतलब नहीं कि कोई uh, जो अभी बिके नहीं हैं या आपके कंपनी के पास रखे हुए हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब है वो तमाम शेयर्स जो कि शेयर होल्डर्स ने ख़रीद रखे हैं और इसमें आप ऐड करेंगे शेयर ब्लॉक्स जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि कंपनी के जो मेजर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको आपने जो शेयर्स uh, दिए हुए हैं या रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं वो तमाम तरह के शेयर्स को ऐड करके जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स तो आपने जब बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी है तो आपने शेयर शेयर होल्डर की एक्विटी uh, को डिवाइड करना है आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ तो आपके पास बुक वैल्यू पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी एंड दिस इज़ यूज टू बेसिकली लुक एट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द शेयर ऑफ डिफरेंट कंपनीज तो जब आप बुक वैल्यू पर शेयर निकालते हैं तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंट कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर के साथ में कंपैरिजन करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेंगे इसके साथ ही में एक और बहुत अहम जो कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द मार्केट वैल्यू सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी इट इज़ डिफरेंट फ्राम द बुक वैल्यू बुक वैल्यू अभी मैंने आपको बोला जो आपके अकाउंट्स के हिसाब से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से आपकी कंपनी का नेटवर्थ है दैट इज़ द बुक वैल्यू मगर मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट वो डिटर्मिन होती है आपकी जो मार्केट में आपकी ओवरऑल वर्थ कितना है सो इट डिपेंड्स अपॉन द ओवरऑल रेपिटेशन ऑफ द कंपनी द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीशन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उनके डिशीशन्स उनका कोई भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का कॉम्पोजिशन ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है कोई कंपनी के ऊपर किसी भी किस्म का कोई मसला हो जाए तो वहाँ नेगेटिविटी स्प्रेड हो जाएगी तो आप जो कंपनी का मार्केट का वैल्यू है मार्केट वैल्यू वो डिटेरियरेट कर जाता है समटाइम्स कोई भी इमोशनल अकरेंस इवेंट हो जाए ऐसा जिसमें उस पर्टिकुलर कंपनी ने कुछ बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था सोसाइटी को या कुछ अच्छा काम किया तो वहाँ क्या होगा लोगों लोगों पीपल बिकम सेंटिमेंटल एंड दे बिकम इमोशनल एंड दे बिकम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट कंपनी और वहाँ से उस कंपनी को अच्छा समझना शुरू हो जाते हैं तो फिर हो सकता है कि इस पर्टिकुलर वजह से उसका जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाए तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और व्हेन वी आर गोइंग टू मेक अप अ डिसीजन कि हमें इसमें किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है या कंपनी का ओवरऑल वर्थ कैसा है तो उसमें हम दोनों वैल्यूज़ को यानी कि बुक वैल्यू को और मार्केट वैल्यू दोनों को अकाउंट फॉर करते हैं बिकॉज वेन वी डिसाइड बेसिस बेस्ड अपॉन ओनली वन एस्पेक्ट

सो स्टॉक मार्केट में जो आपके किसी भी कंपनी की शेयर की जो प्राइस है वो आपकी मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करने वाली है तो इट इज़ बेसिकली द प्राइस ऑफ एन एसेट दैट दैट पर्टिकुलर शेयर और एसेट विल गेट इन द मार्केट प्लेस और वी कैन से दैट

स्टॉक मार्केट की मूवमेंट्स के अकॉर्डिंगली डिटर्मिन होगी और वो डॉलर में दी जाएगी चाइना में चले जाएंगे तो आपको येन में मिलेगा उसका वैल्यू सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ करेंसी इज बीइंग यूज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन और इन ऑर्डर टू मायर और क्वान्टिफाई द मार्केट वैल्यू ऑफ अ सर्टन कंपनी सो वेन वी टॉक अबाउट द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी बेसिकली इट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू वी यूज़ द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ़ द शेयर ऑफ दैट कंपनी दैट इज टेकन इंट अकाउंट फ्राम द डेटा शेयर बाय द स्टॉक मार्केट और उसकी मदद से हम मार्केट शेयर मार्केट प्राइसेस को अकाउंट फॉर करते हैं और मार्केट वैल्यू को अकाउंट um, फॉर करने के लिए या उसको मायर करने के लिए वी यूज़ अ फॉर्मूला विच हेल्प्स आस इन कैल्कुलेटिंग द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी एंड फॉर दैट हम करते हैं उसके लिए वी टेक इंट अकाउंट द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट उसकी वेबसाइट से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसको मल्टीप्लाई अगर कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ तो आपके पास ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी का पता चल जाएगा सो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी और बुक वैल्यू ऑफ अ कंपनी दे आर टू डिफरेंट थिंग्स क्योंकि एक आप ले रहे हो अकाउंट्स से इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू से और दूसरी वैल्यू आप ले रहे हैं स्टॉक मार्केट से तो आपको दो मुख्तलिफ पिक्चर्स दोनों वैल्यू वेरिएबल्स जो हैं बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दो डिफरेंट पिक्चर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं एक आपको मार्केट की सिचुएशन बताता है ये मार्केट में उस पर्टिकुलर कंपनी को के को कैसे देखा जाता है उसके परफॉर्मेंस को कैसे देखा जा रहा है अगर लोग फोर्स ही कर रहे हैं कि ये ग्रो करने जा रही है फ्यूचर में तो वो नेचुरली दे विल Like to invest more and more in that company, or demand, ki un un, uske shares ki, to naturally, unka price super So market share or book value. Market value and book value are two different concepts and they are used uh, in, together in order to understand or in order to have a better picture. So, in order to explain uh, this market value calculation or the market capitalization of a company calculation. आई एम गोई टू यूज एन एग्जाम्पल सो फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर हैविंग अ कंपनी एक्सवाई जी और उसकी जो शेयर है फॉर एग्ज़ाम्पल वो सपोज आज के आज के स्टॉक मार्केट के वेबसाइट के अकॉर्डिंगली उसकी जो प्राइस है दैट टर्न आउट टू बी ट्वेंटी फाइव डॉलर पर शेयर और उसके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे वो वन मिलियन है तो वहाँ से हम इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन या कंपनी की मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर्स और बेसिकली जब हम मार्केट वैल्यू की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं या कोई भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं जब वो बिज़नेस के डिफरेंट डायनामिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं या किसी कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस को या बुरी परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं तो वहाँ वो मार्केट वैल्यू को अकाउंट फॉर करते हैं वो बुक वैल्यू को अकाउंट फॉर करके अपने तबसरे नहीं कर रहे होते तो इसी तरह से जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं या इन्वेस्टर्स हैं दे ऑलवेज़ कंसिडर द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी या ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी को अकाउंट फॉर कर, करके वो अपने फ़ैसले करते हैं या जो भी एनालिसिस उन्होंने देना होता है उसमें इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ज़रूर कंसिडर किया जाता है बिकॉज ये स्टॉक मार्केट में से निकाला जाता है या उसके अंदर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस पर्टिकुलर चीज़ को देखा जाता है सो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल